बिहार की मधुबनी पुलिस ने लूट की 6 अलग अलग घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए 2 अलग अलग गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए फुलपरास एसडीपीओ सुनीता कुमारी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर पिछले कुछ दिनों से लुटेरों का गैंग सक्रिय था, जो लोगों की बाइक छीन लेते हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की थी। जांच के दौरान पुलिस ने 6 लूटों के मामले में 2 गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 बाइक, 1 देसी कट्टा सहित जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पिछले माह 6 बाइक को लूट का घटना का अंजाम दिया गया था। कुछ अपराधकर्मियों द्वारा एनएच को टारगेट बनाया जा रहा था, जिसमें झंझारपुर और अररिया संग्राम, भैरव स्थान, फुलपरास और लौखा में 6 कांड का आज उद्भेदन किया गया है, जिसमें से 2 गैंग है, 2 गैंग के 1 व्यक्ति और 1 गैंग के 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। कुल 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं तथा 4 बाइक लूटा हुआ बरामद किया गया है, 2 मोबाइल लूटा हुआ बरामद किया गया है, 1 देशी कट्टा बरामद किया गया है और 1 कारतूस उसका बरामद किया गया है। कुल बरामदगी की गई है और इसका सफल उद्भेदन किया गया है। किस तरह का गैंग था ये? ये कुछ बाइक से लूट करता था और एक था 4 व्हीलर से पीछा करके, ओवरटेक करके ये छीन लेता था बाइक और मोबाइल। अब तक कितने मामले इन लोगों पर दर्ज हैं? इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है और कई मामले दर्ज हैं इस पर। अभी कुल ये तो 6 मामले अभी दर्ज हो गए हैं जिनका उद्भेदन अभी किया गया है। तो जो मोबाइल जो आप बरामद किए हैं, वो मोबाइल भी लूट का ही था? हाँ, लूट का ही 2 मोबाइल बरामद हुआ है। ये हथियार किस तरह का इन लोगों से बरामद हुआ? देसी कट्टा है। तो अभी इस मामले में और आगे कोई? इसमें अन्य जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनको भी पकड़ा जाएगा और टीम बना दी गई है और पुलिस अधीक्षक महोदय के ये में निर्देश में सभी थानाध्यक्ष काम कर रहे हैं। क्या ये अपराधी जो अभी पकड़ाए हैं ये लोकल हैं या कोई बाहरी गैंग है? 2 इसमें फुलपरास के हैं, फुलकाही और 1 लौखी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।